का टॉपिक इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इट मींस इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। गॉट इट? नाउ अगर हम इसको अलग करें, रूलर्स, रूलर्स मींस लीडर्स, यू कैन से मोनार्क, यू कैन से डिक्टेटर। गॉट इट? अगर लोग चूज करते हैं दैट इज लीडर्स, इफ दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल तो दैट मींस मोनार्क एंड डिक्टेटर। गॉट इट? देन व्हाट इज इलेक्शन? रूलर्स एंड व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन मींस हाउ दे आर इलेक्टेड। इलेक्शन मींस how they are elected, it means what conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic। clear ho gaya? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। now there is one example। first of all we will discuss major decision by the elected leader। we are talking about the Parvez Musharraf in Pakistan। general Parvez Musharraf, he was a military general, led a military coup in October 1999। got it? he designated himself, usne apne aap ko khud hi kya declare kar diya, president। He designated himself as a president, and after that he passed a referendum। What is the meaning of referendum? Referendum means voting conduct करवाना, जैसे भी आप चाहें, ठीक है, voting vote conduct करवाना, तो automatically vote आप ही को मिलेगा। तो it means Parvez Musharraf started referendum in 2002। For what? उससे क्या हुआ? He get an extension for 5 years, मतलब 5 साल तक परवेज मुशर्रफ जो है वो रूल करेगा। बट मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविस्ट मेंबर, दे ऑल सेड दैट रिफरेंडम वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड। गॉट इट? कि ये तो अपने आप इलेक्शन करवाया गया है, ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड। तो उससे क्या हुआ? It means the leaders are not elected by the people। The leaders are not elected by the people। तो automatically धीरे धीरे powers जो है वो military के हाथों में, military hands में आ गई। Got it? Then after that August 2002 General Musharraf issued a legal framework order that amended the constitution। what is amended? मतलब वो कुछ change लाना चाहता था, कुछ बदलाव करना चाहता था, क्योंकि extension तो मिल गया था उसको 5 year का, ठीक है, तो changes करना चाहता था। so the president can dismiss the national and provisional assemblies। after that national security councils would supervise civilian cabinets। ठीक है, इट मीन्स क्या है, पावर्स, डिसीजन लेने का जो पावर है वो होना तो चाहिए लोगों के हाथ में, बट यहाँ पर पावर्स किसके हाथ में आ गया? परवेज मुशर्रफ एंड मिल्ट्री। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट with those elected by the people। अगर आप कहें तो ये फीचर्स हो गया हमारा डेमोक्रेसी का, ठीक है, क्योंकि होना तो ये चाहिए, बट इन पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, बिकॉज द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विथ आर्मी ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ, and none of them are elected by the people। so you can say
पाकिस्तान कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. क्लियर? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पावर शुड बी, पावर मस्ट बी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. गॉट इट? इन ये तो हो गया आपका पाकिस्तान का. आफ्टर दैट इफ वी डिस्कस अबाउट द चाइना एंड मैक्सिको. इन चाइना फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. इट मीन्स चाइना के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ये क्या है? ये एक पार्लियामेंट है. ठीक है, चाइना की पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस. सेम इन द चाइना इलेक्शन से पहले, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. तो इट मीन्स द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. तो यहाँ पर भी पावर किसके हाथ में हुई? कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में. और देखने के लिए इलेक्शंस हो गए हर 5 साल के बाद, बट अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए? कम्युनिस्ट पार्टी से. क्लियर हो गया बेटा? इन सेम केस मैक्सिको. मैक्सिको के अंदर हर 6 ईयर्स के बाद, मतलब एवरी 6 ईयर्स वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं. पार्टी का नाम PRI, दैट इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. गॉट इट? ऑलवेज इन मैक्सिको द पीपल दे ऑलवेज यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. विच टाइप ऑफ ट्रिक्स? लाइक टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल दे ऑलवेज यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI. And PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. Got it? तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है free and fair elections नहीं है. ठीक है, they always use dirty tricks to win the election. Mexico, the party name is Institutional Revolutionary Party. Got it? तो in that case हम कंक्लूजन में क्या करते हैं? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए ताकि जो हमेशा जीतता है वो हमेशा ना जीते और जो हमेशा हारता है वो हमेशा ना हारे. गॉट इट? तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही पार्टी बार बार रूल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है. गॉट इट? सो डेमोक्रेसी मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू.